हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। तो गाइस, रामजस कॉलेज के भी फॉरेन लैंग्वेज के फॉर्म आउट हो चुके हैं। इस कॉलेज का आप सबको बहुत वेट था क्योंकि इस कॉलेज में जो कट ऑफ है काफ़ी लो तक जाती है, तो जिनके कम परसेंटेज है वो इन कॉलेज में एडमिशन बिल्कुल ले सकते हैं। कॉलेज काफ़ी पॉपुलर है नॉर्थ कैंपस का, तो एडमिशन लेने में भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉलेज काफ़ी अच्छा है। तो मैंने सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं इस वीडियो के थ्रू कि रामजस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपके क्लासेस कब होंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है। साथ ही में रजिस्ट्रेशन फॉर्म का भी मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हो कि आपको कैसे फिलअप करना है। साथ में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी लिंक, जिससे कि आपको आराम से मिल जाए रजिस्ट्रेशन फॉर्म की लिंक, क्योंकि आप लोगों को नहीं मिल पाती है। और इसके साथ ही मैंने लास्ट ईयर का कट ऑफ भी अटैच किया है, जिससे कि आप एक आइडिया ले सकते हो कि आपको कितना परसेंटेज चाहिए होगा। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं रामजस कॉलेज का डिटेल्ड वीडियो। तो गाइज़, ये है रामजस कॉलेज का पेज। यहाँ पे जब आप नीचे आओगे आप देख सकते हो कि SFIL एडमिशन 2021, इस पर क्लिक कर देना। और यहाँ पे जब SFIL में आओगे, ये हमारे फॉरेन लैंग्वेज का डिपार्टमेंट है। यहाँ पे देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है: अबाउट SFIL, इनटेक कैपेसिटी, एलिजिबिलिटी, फ़ी, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जनरल इंस्ट्रक्शन नोटिस एंड सर्कुलर, टाइम टेबल, SFIL हेल्पलाइन। और नीचे देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन फॉर डिप्लोमा कमिंग सून। इसका मतलब डिप्लोमा के अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं, एक बार जब रिजल्ट्स आ जाते हैं उसके बाद ही डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा में एडमिशन होता है। तो फिलहाल इस कॉलेज में एडवांस डिप्लोमा नहीं है। तो यहाँ पे हम अबाउट SFIL नहीं देखेंगे क्योंकि उसमें नॉर्मली इन्फॉर्मेशन ही अवेलेबल है कि क्या होता है SFIL। यहाँ पे हम देखते हैं इनटेक कैपेसिटी। तो इनटेक कैपेसिटी जब देखेंगे तो इनटेक कैपेसिटी में 1 ईयर पार्ट टाइम सर्टिफिकेट कोर्सेज फ्रेंच 125 सीट्स हैं, 2 सेक्शंस होंगे। जर्मन में 125 सीट्स हैं, 2 सेक्शन होंगे। स्पेनिश में 125 सीट्स हैं, 2 सेक्शन होंगे। इटालियन में 50 सीट्स हैं, एक ही सेक्शन होगा। चाइनीज़ में 50 सीट्स हैं, 1 सेक्शन होगा। जेपनीज़ में 50 सीट्स हैं, 1 सेक्शन होगा। और कोरियन में भी 50 सीट्स हैं, 1 सेक्शन होगा। तो इन सारों में 50 सीट्स ही हैं और एक ही सेक्शन है इन कंपेरिजन टू अदर लैंग्वेजेस। तो 1 ईयर पार्ट टाइम डिप्लोमा कोर्सेज देखें तो फ्रेंच में 50 सीट है, 1 सेक्शन है। जर्मन में 50 है, स्पेनिश में 50 है, इटालियन में 50 है, चाइनीज़, जेपनीज़, कोरियन सब में 50 सीट्स हैं डिप्लोमा के लिए। देख लेते हैं इनटेक के बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी देखते हैं तो कैंडिडेट शुड हैव पास द 10+2 एग्जामिनेशन और एनी अदर इक्विवेलेंट सिस्टम। प्लीज़ नोट दैट मार्क ऑफ बेस्ट 4 10+2 इंक्लूडिंग इंग्लिश विल बी कंसिडर्ड फॉर मेरिट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको ध्यान में रखना कि 10+2 है, आपने कैलकुलेट जब आप कर रहे हो अपना परसेंटेज बेस्ट 4, उसमें इंग्लिश को ज़रूर कंसिडर करना। मेरिट के लिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल कैटेगरी के लिए 50% इन बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स विद 45% इन इंग्लिश चाहिए होगा। तो 50% आपके बेस्ट 4 होने चाहिए और 45% इंग्लिश होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो इसमें अप्लाई करने के लिए। SC ST OBC अदर्स के लिए 45% इन बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स विद 45% इन इंग्लिश। उसके बाद देखते हैं तो ग्रेजुएट्स इन ऑल डिसिप्लिन विल हैव अ पॉजिटिव वेटेज ऑफ 10%। तो ये चीज़ है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और आप अप्लाई कर रहे हो सर्टिफिकेट कोर्स में, तो आपको 10% पॉजिटिव वेटेज मिलेगा क्योंकि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है। और सिमिलरली पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए पॉजिटिव वेटेज जो है वो 15% है। तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज लिमिट, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है फिर भी आप सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हो, या आप 12 पास करी हो या आपने आप सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो, इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू सबमिट ऑल द इन्फॉर्मेशन केयरफुली, इन्फॉर्मेशन वंस फर्निश्ड बाय द एप्लीकेंट विल नॉट बी एडिटेड। तो जब आप फॉर्म भर रहे हो सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ध्यान से भरना, क्योंकि एक बार आप फॉर्म भर देते हो तो उसके बाद से आप फिर से उसको एडिट नहीं कर सकते हो, तो इस बात का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिर है द मेरिट लिस्ट डज नॉट गारंटी एडमिशन टू एनी फॉरेन लैंग्वेज कोर्स सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो ये चीज़ ये है कि मतलब मेरिट लिस्ट आपका गारंटी नहीं करती एडमिशन, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए तो आपका एडमिशन होगा। एडमिशन विल बी मेरिट बेस्ड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। आपका जो एडमिशन है मेरिट बेस्ड होगा। एप्लीकेंट मस्ट रजिस्टर ओनली वंस, फिलिंग मोर देन वन फॉर्म विल मेक द एप्लीकेंट लायबल टू बी डिसक्वालिफाइड फॉर एडमिशन। इफ एप्लीकेंट वांट्स टू अप्लाई फॉर मोर देन वन लैंग्वेज, ही और शी इज एडवाइज्ड टू अप्लाई बिफोर अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स एट द सेम टाइम। तो ये बहुत ध्यान में रखने वाली चीज़ है। बहुत लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि दो फॉर्म भरेंगे, हमें फिर से अप्लाई करना है 2 लैंग्वेजेस में, 3 लैंग्वेजेस में। तो आप फॉर्म एक ही फिलअप कर सकते हो, जब उसमें आपको लैंग्वेज चूज़ करने को कहेगा आप तब कर सकते हो 2 या 3 लैंग्वेज जितने भी आपको चूज़ करने हैं, लेकिन आप 2 फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना।
डिप्लोमा कोर्सेज की अगर हम एलिजिबिलिटी देखें तो डिप्लोमा कोर्सेज के लिए इटालियन, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच में इन केस ऑफ एक्सिस्टिंग स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस सर्टिफिकेट इन द रिस्पेक्टिव लैंग्वेज दैट इज सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट इन इटालियन, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच ऑफर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ जर्मेनिक एंड रोमन स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी इन केस ऑफ डायरेक्ट एडमिशन और outside students entrance examination will be conducted for students who have completed certificate courses in French, German, Spanish, Italian from the institutions other than University of Delhi or gap year cases. Entrance exam fee will be charged for the same separately. So yes, तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से क्या हुआ है, ठीक है ना, तो आप आराम से एडमिशन ले सकते हो बिना एंट्रेंस के. लेकिन हाँ, अगर आप ये ले रहे हो, डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो, आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं किया हुआ है और या आपका गैप ईयर है, तब फिर उसके बाद आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा. फॉर डिप्लोमा कोर्सेज चाइनीज़, जेपनीज़ और कोरियन, इसमें भी जो आपकी ये इन्फॉर्मेशन आपकी सेम ही है कि अगर आपका गैप ईयर है या दूसरे कॉलेज से किया हुआ है तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा. एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़ी आपकी चार्ज होगी. तो आप देख लेते हैं हम फी स्ट्रक्चर क्या है. तो रजिस्ट्रेशन फ़ी आप देख लो, सारे ही कोर्सेज़ के लिए, चाइनीज़, जेपनीज़, कोरियन, टैलेंट, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, इन सब के लिए 200 रजिस्ट्रेशन फ़ी है जो आपको फिलअप करनी होगी फॉर्म भरते टाइम. और फ़ी अगर हम बात करें लैंग्वेजेस की, फ़ी कितनी है, कोर्स फ़ी कितनी है, तो सर्टिफिकेट कोर्स इन चाइनीज़, जेपनीज़, कोरियन इनकी है 17,000 रुपी और 510 रुपी जो आपका एग्जामिनेशन फ़ी है पर एनम. और उसके बाद बाकी जो लैंग्वेजेस हैं, इटालियन, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, तो इनकी जो फ़ी है वो 18,500 है प्लस 510 एग्जामिनेशन फ़ी होगी आपकी. और डिप्लोमा की वहीं पे देखें तो डिप्लोमा कोर्स चाइनीज़, जेपनीज़, कोरियन 17,000 फ़ी है, 510 आपका एग्जामिनेशन फ़ी है और बाकी इटालियन, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन 18,500 है प्लस 510 आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ़ी है. द अबव फी पेड इज़ वन टाइम एक्सरसाइज. फी पेमेंट्स आर सब्जेक्ट टू द वेरीफिकेशन फ्रॉम द बैंक. देर विल बी नो रिफंड ऑफ फी एक्सेप्ट इन द केस वेर द कॉलेज ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन्स फेल टू मीट इट्स अनाउंस शेड्यूल ऑफ क्लासेस. तो आप फी पे कर देते हो, उसके बाद रिफंड का कोई प्रोसेस नहीं है. एंट्रेंस एग्जाम फ़ी डिप्लोमा के लिए है 300 रुपीज़. तो आप अगर डिप्लोमा में एडमिशन ले रहे हो तो आपकी जो एंट्रेंस एग्जाम की फ़ी है वो 300 होगी. इसके बाद देखते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड. तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो फोटोकॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड बिलो. ऑन द फोटोकॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट द एप्लीकेंट मस्ट साइन एंड राइट सेल्फ अटेस्टेड. स्कैन ऑल द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज एंड कीप देम सेव ऑन द डिवाइस ऑन विच यू विल कैरी आउट द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन. यू विल नीड ऑल दिस स्कैन सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज हैंडी टू अपलोड देम टू कंप्लीट द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन. तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप जब फॉर्म फिलअप करना तो इसको अपने लैपटॉप में या फिर मोबाइल में जहाँ से आप फॉर्म फिलअप करो उसमें सेव कर लेना स्कैन करके, जिससे कि आप जब भी आप फॉर्म भरो आपको आसानी होगी तुरंत मिलने में. उसके क्या क्या चाहिए, तो पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट चाहिए, आप यहाँ पे साइज़ वगैरह देख लेना. स्कैन सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट चाहिए. सेल्फ अटेस्टेड क्लास 10th सर्टिफिकेट या मार्कशीट चाहिए कंटेनिंग डेट ऑफ बर्थ. सेल्फ अटेस्टेड क्लास 12th मार्कशीट चाहिए. और इसके बाद है एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट चाहिए जो कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं. उसके बाद ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए. ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, लास्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैन बी अपलोडेड बाय द लेटेस्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी स्कूल कॉलेज ट्यूशन विल बी रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन अलॉन्ग विद द अदर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेटर. तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप अभी अपलोड कर सकते हो या बाद में भी कर सकते हो. अपलोड द सर्टिफिकेट और मार्कशीट ऑफ रिस्पेक्टिव लैंग्वेज कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड. तो ये डिप्लोमा के लिए है, तो फिलहाल तो डिप्लोमा के एडमिशन नहीं हो रहे हैं. Applicants are advised to submit all the information carefully. Information once furnished by the applicants will not be edited. तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आप एडिट नहीं कर सकते हो, तो पहले ही फॉर्म को आप सही से भरो. Applicants must register only once. Filling more than one form will make the applicant liable to disqualified for admission. तो फिर से वही बात है कि एक बार ही फॉर्म भर सकते हो. इसके बाद देख लेते हैं क्लासेस की टाइमिंग्स क्या होगी. तो क्लासेस की टाइमिंग्स है ऑल क्लासेस थ्राइस इन अ वीक, मंडे टू फ्राइडे 3 to 5 PM. तो आपकी जो क्लासेस हैं वो मंडे टू फ्राइडे चलेंगी. अब ये अल्टरनेट डेज पे चलेंगी क्योंकि तीन ही दिन चलना है, या फिर कैसे चलेंगी ये टाइम टेबल जब आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा. और जो टाइमिंग है वो 3 to 5 PM है. तो इस बात का ध्यान रखना 3 to 5 आपकी क्लासेस चलेंगी रामजस में. अटेंडेंस की बात करें तो मिनिमम ऑफ 67% अटेंडेंस इज कंपलसरी टू टेक द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन. तो ये मैं बता सकती हूँ कि अटेंडेंस लिखा हुआ है पर कंपलसरी है नहीं. जो डीयू के स्टूडेंट्स हैं उनको पता ही होगा कि अटेंडेंस फिलहाल
बोलते हैं कि इम्पॉर्टेंट है, लेकिन लास्ट में आपको फॉरेन लैंग्वेज में तो मैं बता सकती हूँ कि बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर आप फॉरेन लैंग्वेज कर रहे हो तो मैं यही कहूँगी कि सारे क्लासेस करना, एक भी क्लास मिस हो जाता है ना तो लिंक टूट जाता है, आपको नहीं समझ में आएगा उसके बाद। तो ये छोटा सा टिप है कि आप अपने सारे क्लासेस करना अगर आप फॉरेन लैंग्वेज में करियर बनाना चाहते हो। नो स्टूडेंट्स विल बी परमिटेड टू चेंज सेक्शंस वंस ही और शी हैज़ बीन एडमिटेड। पंक्चुअलिटी इज़ वैल्यूड इन एस ए फाइल एंड स्टूडेंट्स विल नॉट बी परमिटेड टू इंटर क्लास आफ्टर 15 मिनट्स ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द क्लास। तो ये सारी चीज़ें तो सेकेंडरी हैं। तो आप नोटिस एंड सर्कुलर में जब आओगे, यहाँ पे एस ए फाइल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2021-2022, इस पे जब क्लिक करोगे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिख जाएगा, लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्कूल ऑफ फॉरेन एंड इंडियन लैंग्वेजेस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द एडमिशन टू पार्ट टाइम सर्टिफिकेट कोर्सेज इन फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, स्पेनिश, चाइनीज, जैपनीज एंड कोरियन आर स्टार्टिंग फ्रॉम 24 अगस्त टिल 2 सितंबर। लिंक फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पेस्ट कर दूंगी। तो जब हम इस पेज पे आएंगे, हमने ऑलमोस्ट सारा ही कंप्लीट कर लिया है, टाइम टेबल अभी अपलोड नहीं हुआ है। एस एफ आई एल हेल्पलाइन, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन फॉर सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन फॉर डिप्लोमा तो अभी नहीं हो रहा है, कमिंग सून लिखा हुआ है। तो आप उस लिंक पे भी जाके रजिस्टर कर सकते हो, यहाँ से भी आप अगर क्लिक करते हो तो आप रजिस्ट्रेशन पेज पे पहुँच जाओगे। तो ये है रजिस्ट्रेशन पेज, ठीक है। वेलकम टू एस एफ आई सर्टिफिकेट एडमिशन 2021-2022। तो दिस पोर्टल केटर्स टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू 1 year पार्ट टाइम सर्टिफिकेट कोर्सेज इन फॉरेन लैंग्वेज रामजस कॉलेज। सो यहाँ पे आप देख सकते हो सर्टिफिकेट इन चाइनीज, जैपनीज, कोरियन लैंग्वेज, सर्टिफिकेट इन जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश एंड इटालियन लैंग्वेजेस। तो ये लॉगिन है, यहाँ पे जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया ये उनके लिए लॉगिन है, और जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया, यहाँ जब आप ऊपर आते हो आप देख सकते हो क्लिक हेयर फॉर सर्टिफिकेट न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक कर देना आप। तो जब आपने क्लिक किया है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, नेम एंड अदर डिटेल्स इंटर्ड बाय द एप्लीकेंट नीड टू बी सेम एज इन द क्लास 12th बोर्ड मार्कशीट। एप्लीकेंट कैन लॉग इन टू एडमिशन पोर्टल थ्रू देयर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस ओनली। तो जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है उससे ही आप इस पर लॉग इन कर सकते हो, जो यहाँ पर अभी आप रजिस्टर करोगे। एप्लीकेंट मस्ट यूज़ हिज और हर ओन एक्टिव ईमेल एड्रेस। द ईमेल एड्रेस प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेंट मस्ट बी फंक्शनल एंड द एप्लीकेंट मस्ट हैव एक्सेस टू इट थ्रू आउट द एडमिशन प्रोसेस। Applicants are encouraged to use latest version of Google Chrome web browser for filling the application form. तो ठीक है, यहाँ पे आप फिल अप कर देना एडमिशंस, एप्लीकेंट्स फुल नेम, ईमेल फिर से है, फिर मोबाइल नंबर, पासवर्ड, यहाँ पे आप करके इसको रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्टर करने के बाद आप लॉगिन करके देख लेना, जो भी आगे इन्फॉर्मेशन आएंगी वहाँ से आप फिल अप कर सकते हो। तो गाइज़ ये है रामजस कॉलेज की लास्ट ईयर की कट ऑफ लिस्ट, ये फर्स्ट पेरिट लिस्ट है। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो कम्बाइंड वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो, कम्बाइंड वैल्यू मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि जिन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उनको, उनका जो कम्बाइंड परसेंटेज है वो यहाँ पे देख सकते हो, उनको जो पॉजिटिव वेटेज मिला हुआ है वो ऐड होके ये कम्बाइंड वैल्यू बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 98.64 दिया हुआ है हाईएस्ट। फिर उसके बाद जब नीचे आते हो आप देख सकते हो लास्ट 58.75 देख सकते हो जनरल कैटेगरी के लिए। फिर उसके बाद कैटेगरी वाइज है एसटी 91.25, एससी 71.33 लास्ट तक गया है, फिर ओबीसी 67.25 लास्ट तक गया है। तो फर्स्ट में ही काफ़ी कम चला गया है आप देख सकते हो यहाँ पे चाइनीज़ के लिए। इसके बाद फ्रेंच की फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, तो इसमें 99.7 यूआर कैटेगरी जनरल कैटेगरी के लिए है, और हम लास्ट इसका देखते हैं ये यूआर जनरल के लिए 84.25 है। उसके बाद से एसटी के लिए 79.9 है लास्ट, और एससी के लिए 67.25 है। उसके बाद जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से कर रहे हैं 90.35, और ओबीसी के लिए लास्ट अगर हम देखें तो 57.25 है, ईडब्ल्यूएस के लिए लास्ट 73.1 है। तो ये आप देख के मैच कर सकते हो, एक आइडिया ले सकते हो। इसके बाद भी अभी सेकेंड मेरिट लिस्ट में भी आप देख सकते हो क्या डिफरेंसेस होंगे। फिर जर्मन लैंग्वेज की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 100.75 से स्टार्टिंग है, और लास्ट आपका गया हुआ है 83.5 क्या हुआ है लास्ट, एसटी 94.5, एससी के लिए लास्ट अगर हम देखें तो 70.7, पीडब्ल्यूडी 60.25, ओबीसी का लास्ट अगर हम देखें तो 66.5,
सॉरी उससे भी कम है, 61.5 लास्ट है यहाँ पे हम सेकेंड लिस्ट में देखें तो, और EWS के लिए लास्ट 61.25 है। इसके बाद से हम देख लेते हैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट है इटालियन लैंग्वेज में, तो 90.43 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए लास्ट 54.5, SC के लिए लास्ट 64.5 और OBC के लिए लास्ट 51, EWS 58.25। इसके बाद आता है जेपनीज़ लैंग्वेज, तो जेपनीज़ लैंग्वेज स्टार्टिंग है 96.72 से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और 85.5 लास्ट किया हुआ है, ST के लिए 78.5 है लास्ट, SC के लिए 48.5 है लास्ट, OBC के लिए 65 है, EWS के लिए 58.25 है। इसके बाद आता है कोरियन लैंग्वेज, तो कोरियन लैंग्वेज में अनरिजर्व कैटेगरी स्टार्टिंग है आपकी 97.75 से और उसके बाद से लास्ट आपका आता है 77.25, ST 100.76 है, SC लास्ट 54.75 है, OBC लास्ट 56.75 है, EWS 74.75 है। इसके बाद स्पेनिश लैंग्वेज देखिए तो स्टार्टिंग है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 100.2 से, जो कि लास्ट तक आते आते आप देख सकते हो 81.25 है, ST के लिए 76.54 है, SC के लिए लास्ट अगर हम देखें तो 48.5 है, OBC के लिए लास्ट 57.25 है, EWS के लिए 58.25 है। तो सिमिलरली आप मैच कर सकते हो अपना परसेंटेज। इसके बाद हम सेकेंड मेरिट लिस्ट भी देखते हैं, तो गाइज ये है सेकेंड मेरिट लिस्ट जिसमें फ्रेंच से स्टार्टिंग हुई है, फ्रेंच 93.25 से स्टार्टिंग हुई है और लास्ट गया है आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 73.50, SC के लिए लास्ट गया है 55.95। इसके बाद आता है जर्मन के लिए, तो जर्मन की स्टार्टिंग 83.23 से की हुई है और लास्ट तक आते आते आप देख सकते हो 69.75। सिमिलरली SC के लिए लास्ट 55.50 है और OBC के लिए 57.25 है। फिर जेपनीज़ लैंग्वेज है, तो जेपनीज़ में 84.75 से स्टार्टिंग है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और लास्ट है 76.75। तो ये सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सीट्स बची हुई थी। और कोरियन में अगर देखो तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 76.75 से स्टार्ट और 60.29 लास्ट है, तो इसमें भी सिर्फ अनरिजर्व के लिए ही सीट्स बची हुई थी और इतने ही लैंग्वेजेस में अभी बची थी। स्पेनिश की देखें तो अनरिजर्व कैटेगरी 80.75 से स्टार्ट है और लास्ट में आते आते 66.25, तो यही सारे लैंग्वेजेस थे। तो गाइज़ ये थी रामजस कॉलेज से रिलेटेड सारी एडमिशन डिटेल्स, आप एडमिशन ले सकते हो, कॉलेज काफ़ी अच्छा है। और इसके साथ ही जब भी कॉलेजेस के कट ऑफ आएंगे या फिर कोई भी न्यू फॉर्म रिलीज़ होता है मैं आपको इन्फॉर्म करती रहूँगी। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।